अयोध्या के शहादतगंज अबूसराय बाईपास के निकट वंशदी मोटर्स के शोरूम का हुआ भव्य उद्घाटन। मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए मंडलायुक्त गौरव दयाल, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता रहे। वरिष्ठ अतिथि के तौर पर संयुक्त रूप से व्यापार मंडल के पंकज गुप्ता रहे। आए हुए सभी अतिथि को शोरूम के प्रबंधक वरुण मित्तल ने बुके देकर स्वागत किया। आए हुए अतिथि के तौर पर मंडलायुक्त गौरव दयाल ने फीता काट कर शोरूम का आरम्भ किया। इलेक्ट्रॉनिक लोडिंग और सवारी गाड़ी का पहला शोरूम अयोध्या शहर में आज इको फ्रेंडली बनाने के लिए, ग्रीन सिटी बनाने के लिए आज ये शुरुआत हुई है। ये पूर्णतया चार्जिंग वाली गाड़ी है। डीजल पेट्रोल प्रदूषण मुक्त बनाना है अयोध्या को, उसको लेके आज वंशादी मोटर शहादतगंज अबूसराय में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर प्लस कार्गो का उद्घाटन मंडलायुक्त श्री गौरव दयाल जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। गाड़ी अभी तक गई है, इसकी क्या क्विंटल जितनी जरूरत है शहर के लिए 15 क्विंटल की क्षमता है इसकी उठाने की गाड़ी। माइलेज इसका कितना होगा? एक बार चार्जिंग करेंगे 125 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, ₹5, एक दिन का ₹40 खर्चा आएगा केवल गाड़ी में, 400 रुपये की बचत है। ग्राहकों के लिए हमारी यहाँ LCD 32 इंच के स्मार्ट TV की स्कीम चल रही है और आने वाला समय जो है अयोध्या को वैसे ही सरकार की योजना है प्रदूषण मुक्त करना है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में अयोध्या प्रदूषण मुक्त बन के रहेगा। LCD TV दी हम लोगों ने उसको, 32 इंच कलर्ड स्मार्ट TV दी है। इसका रेंज 3.5 लाख से 4 लाख रुपए के बीच में, फाइनेंस 50,000 रुपये में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है ग्राहकों के लिए। ठीक है।